नमस्कार दोस्तों, टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको खूबसूरत और रेयर वैरायटी के सकुलेंट्स दिखाने वाला हूं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेरेस गार्डन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन्स को भी दबा दें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into life. Life is happy. फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन सभी ब्यूटीफुल सकुलेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे सभी सकुलेंट्स हैं इनके नाम क्या हैं और इनकी हम थोड़ी केयर कैसे करें। तो जैसा कि आप हमारे हाथ में देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट का जो नेम है वो हेंस एंड चिक्स है और यह प्लांट बहुत ही अच्छा होता है और इसके जो पत्ते होते हैं फ्रेंड्स वो थोड़े कठोर होते हैं, तो इसे लगाना भी बहुत ही आसान होता है और यह एक हार्डी प्लांट होता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है ये प्लांट एचिबेरिया का वैरायटी है जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं फ्रेंड्स। यह प्लांट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स देखने में, और आप अगर करीब से देखें तो इनके जो पत्ते हैं एक ट्रांसपेरेंट जैसा दिख रहा है, एक शीशे के जैसा। और इस प्लांट्स का जो नेम है फ्रेंड्स वो हॉर्थिया है। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में ये जो प्लांट है, इस प्लांट का नाम एओनियम है और यह एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी का सकुलेंट है। तो आप भी ऐसे ज़रूर ही लगाएं, जो कि यह जो है बड़े आकार के होते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ रेयर वैरायटी के सकुलेंट्स के बारे में, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे हाथ में ये जो प्लांट है ये जेड प्लांट है, लेकिन जो इनके पत्ते हैं, इनके पत्ते टोटली वेरीगेटेड हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और हर जगह पे आसानी से नहीं मिल सकता। फ्रेंड्स, आप हमारे हाथ में देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है ये प्लांट एलो वैरायटी का है जो कि बहुत ही अच्छा है और टोटली ग्रीन है। और इस प्लांट्स को आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत एक मोतियों के माला के जैसा दिख रहा है, और इस प्लांट्स का जो नेम है फ्रेंड्स वो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स है। सकुलेंट्स प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं, तो आपको भी ऐसे पौधे ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपको भी ऐसे पौधे ऑर्डर करना है तो आप दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर हैं उस पे ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इन प्लांट्स के ऑर्डर करने के लिए तो आप हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।